आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन सोमवार और तेज हो गया। नवंबर महीने के अंत से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हजारों किसान आज एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे और देश भर में धरना देंगे। आपको बता दें कि नोएडा दिल्ली पर बैठे हुए किसानों के द्वारा कहा गया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हम अनिश्चितकालीन पर भूख हड़ताल पर डटे रहेंगे। वहीं सरकार की ओर से दो टूक कह दिया गया है कि हम किसानों की बातों को नहीं मानेंगे और कोई बिल वापस नहीं लेंगे। वहीं किसानों के द्वारा बताया गया कि ऐसी कड़ाके की ठंड में हम यहां लगातार सड़कों पर डटे रहेंगे, लेकिन सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसानों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और किसानों में कृषि बिल को लेकर काफी रोष भी अभी भी व्याप्त है। जब तक जान है और हमारे अध्यक्ष जी जब तक बैठे तब तक हम सब बैठेंगे यहाँ, और लोग भी आ रहे हैं सब, यहाँ भूख हड़ताल बैठेंगे। तहसील पे भी लोग बैठ रहे हैं, ब्लॉक पे भी बैठ रहे हैं, और तब तक मरना तो है ही, क्या करें। जब फसल जो मांगे मानी नहीं जा रही है, जब तक मानी नहीं जाएंगी तो आपके भूख हड़ताल के अलावा कोई कार्यक्रम करेंगे? और कुछ नहीं करेंगे, भूख हड़ताल पे ही। ये तो गांधी जी ने दिया है ना, हम लोग भूख हड़ताल पे ही बैठेंगे। अराजकता नहीं फैला सकते हो ना, क्योंकि ये भी हमारे भाई हैं, हम किसके साथ अराजकता करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर तरुण शर्मा है, मैं भारतीय किसान यूनियन भानू में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज आप यहाँ जो अनशन पर बैठे हैं भूख हड़ताल पे, ये कब तक चलेगी? ये जब तक हमारी सरकार बिल्कुल हठधर्मिता पे बैठी हुई है, बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रही है, जब तक ये काले कानून वापस नहीं ले जाते, किसान आयोग का गठन नहीं कर देते, तब तक ये हमारी हड़ताल चलती रहेगी।